Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So our contact number is 7696734256 for the best OIT coaching. And we are doing this writing today. It's a very simple letter that we have done again many a times, but today I'm just going to revise it because as you are saying, you have a problem in finding the purpose. Finding the purpose is the most important thing in OIT letter because that is what makes you, you know, that gives you grades. Whether you pass or fail is highly dependent upon this first paragraph. So first paragraph means that you have to find the purpose. So please try and understand aapko purpose kaise dhoondna hai. So normally to purpose hamari disease condition hoti hai. Again, maine aapko baar baar bataya, if there is a visit letter, then purpose would be given in last visit. If there is a discharge letter, then purpose will be given in the discharge plan. Let's see ye letter kaisa hai. How is this letter? Using the information, write a referral letter to the community nurse. Community nurse ko letter likhna hai Woodville ke. Outline the relevant information requesting continued care. To sabse zyada purpose to vaise to mereko mil gaya purpose. Purpose kya hai? Continued care. Yehi to word chahiye mujhe purpose. Ye to bahut important baat mil gaya hai ki bhai agar main aise bhi likh dun this letter, samjho ki agar aapko purpose nahi mil raha hai, agar main simple aise bhi likh dun this letter is being written regarding जो भी पेशेंट का नाम है मिसेस वाई who needs continued care. जनरली कह रहा हूं, इतना आसान लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए वो तो नहीं पता क्योंकि हम इससे बेटर लिखेंगे. She is being referred to your community health center. बस देखो कितना आसान हो गया, ये तो पर्पस ही तो है. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई, जिसको कंटिन्यूड केयर चाहिए, फॉर विच शी इज बीइंग रेफर्ड टू योर कम्युनिटी सेंटर, या फॉर विच शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू एंड योर कम्युनिटी सेंटर. वैसे रेफर्ड वर्ड में पर्सन के साथ यूज करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. इसीलिए मैं लिखना चाहता हूँ शी इज बीइंग रेफर्ड, रेफर में एक एफ डबल आर, तो ये कॉमन मिस्टेक है, इसका भी ध्यान रखना है. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई हु नीड्स कंटिन्यूड केयर फॉर विच शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू. बस चलो दैट्स इट. अब मुझे जानना है कि कंटिन्यूड केयर में था क्या. देखो प्लीज यहीं से पढ़ना है, यही पर्पस है आपका. तो पर्पस जानना मुश्किल नहीं होता, पर्पस तो इतना आसान है कि अगर आपने लास्ट में ध्यान से पढ़ा कंटिन्यूड केयर तो ठीक है, बात बन गई. अब आप कह रहे हो इस लेटर का पर्पस मुश्किल है, तो डिस्चार्ज, लेकिन इस लेटर में डिस्चार्ज प्लान भी दे रखा है, तो डिस्चार्ज का मतलब तो शायद ये हॉस्पिटल एडमिशन होना चाहिए. लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ डिस्चार्ज प्लान को, तो एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द सिंपैथेटिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो एक और पर्पस पता लगा है कि जीपी से कॉन्टैक्ट करवाना है पेशेंट का, उसकी मेडिकेशन कंप्लायंस को मॉनिटर करना है, एल्कोहल इंटेक को मॉनिटर करना है और डाइट को मॉनिटर करना है. यानी इन तीनों के साथ उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एल्कोहल को लेके कोई प्रॉब्लम है, मेडिकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम है और डाइट को लेके कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. एनकरेज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली सोशल कॉन्टैक्ट, यानी सोशल हिस्ट्री मेरे को ये बताना पड़ेगा कि वो सोशली एक्टिव नहीं है, क्योंकि तभी तो हमें उसे एक्सपेंशन करवानी है. एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड करवाना है, तो मतलब मुझे ऐसे पॉइंट्स को चुनना होता है डिस्चार्ज प्लान से जिसके बेस पे डाटा सिलेक्शन होती है. तो काफी समझ आ गई, कंटिन्यूड केयर प्रोवाइड करनी है और डिस्चार्ज प्लान में जीपी को मिलवाना है, मेडिकेशन कंप्लायंस करवाना है, फैमिली से मिलवाना है, तो ये सब उसकी चीजें हैं. चलो अब पेशेंट के बारे में जानना शुरू करते हैं. लेटर अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि अब नहीं समझ आ रहा हो क्या लेटर में, कि डिस्चार्ज प्लान का लेटर बोलूं, इससे कंटिन्यूड केयर बोलूं. तो मैं सोचता हूँ पेशेंट को जानने की कोशिश करता हूँ. मोनिका ओसबर्न है, 69 ईयर्स ओल्ड है, यानी ऑलमोस्ट 70, यानी वन लेस टू सेवेंटी, तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ही है. डिवोर्स्ड है, एक डॉटर है, सितंबर 2003-2010. जैसे ही मैं इस डाटा को पढ़ता हूँ तो मतलब फर्स्ट अटेंडेड सेंटर 2003 में, लास्ट अटेंडेड सेंटर 2010 में, यानी आज की डेट तो नहीं लिख सकता मैं, पर आज का जो वो होगा नॉर्मल वो होगा जनवरी 2010. ये मेरे ख्याल से टूडेज डेट होनी चाहिए जो हम टूडेज डेट लिखते हैं. और पेशेंट पिछले 7 ईयर्स से हमारे पास आ रहा है, तो 7 ईयर्स का कुछ गैप है. अब मुझे ये देखना है 7 ईयर्स से सेंटर में आ रहा है, हमारे सेंटर में आ रहा है, तो पेशेंट पिछले 7 ईयर्स से हमारे सेंटर में आ रहा है, सितंबर से, सॉरी
हाँ, तो सितंबर 2003 से जनवरी 2010 तक। पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या है? हाइपरटेंशन और डिप्रेशन। और पेशेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है पेशेंट अकेला रहता है रेंटेड हाउस में न्यूपोर्ट में। तो अभी जो पेशेंट रहता है वो न्यूपोर्ट में रहता है। फ्यूचर में क्या कर रहा है? वो वन बेडरूम यूनिट लेने वाला है वुडविल में। जैसे ही मैं वुडविल वर्ड पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है ये भी तो लेटर मैं वुडविल को लिख रहा था। अब मुझे लेटर को थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि ये पेशेंट को हाइपरटेंशन और डिप्रेशन है। एक डॉटर है, वो मैरिड है। ये पिछले 7 ईयर से हमारे सेंटर में आ रहा है और हमारा सेंटर न्यूपोर्ट में ही होगा पक्का, न्यूपोर्ट के आसपास। लेकिन अब ये पेशेंट वुडविल में शिफ्ट हो रहा है, यानी पहले पेशेंट जलंधर रहता था, अब ये शिफ्ट हो रहा है लुधियाना। तो अब जलंधर से लुधियाना रोज अप डाउन थोड़ी करेंगे, तो वो अपना कम्युनिटी सेंटर लुधियाना कम्युनिटी सेंटर में ही जाया करेगा, उसको जलंधर आने की क्या जरूरत है। समझो कि अगर आप यूके में हो, एक पेशेंट इज लिविंग इन बर्मिंगम और वो वहां से शिफ्ट हो रहा है मैनचेस्टर, तो वो मैनचेस्टर कम्युनिटी सेंटर में ही जाएगा ना। तो अब मेरे को कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि 7 ईयर से वो बर्मिंगम कम्युनिटी सेंटर में आ रहा था न्यूपोर्ट में, यानी कि न्यूपोर्ट में आ रहा था, लेकिन अब वो वुडविल जा रहा है। वुडविल का मतलब अब वो नए एरिया में जा रहा है। तो ये इसीलिए जो केयर हम देते थे अब से वो केयर वुडविल वाले देंगे। तो थोड़ा सा लेटर समझ आता है इसके बाद। फिर देखते हैं इनकम, एज, पेंशनर है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल इनटेक। तो ये तो मेरे को लिखना ही है क्योंकि मेरे को डिस्चार्ज प्लान में एल्कोहल इनटेक दिया था, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक की हिस्ट्री है जब भी एंग्शियस होता है। हाइपरटेंशन 10 ईयर से, डिप्रेशन 2 ईयर से है। क्रिएटिक प्रॉब्लम्स है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मतलब सेल्फ एडमिनिस्टर, शायद इंसुलिन का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा पर डायबिटीज तो है नहीं। कोई मेडिकेशन का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा, मतलब या सेल्फ एडमिनिस्टर मतलब खुद खाने वाली मेडिकेशन होंगी तो वो नहीं ले रहा होगा, तभी इसके मेडिकेशन कंप्लायंस को भी मॉनिटर करना है। तो मेडिकल कंप्लायंस भी मिल गया, अल्कोहल इनटेक भी मिल गया। और विडविल क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसकी डॉटर वहां पे रहती है, यहाँ पे वो अकेला रहता है। डॉटर की शादी हो गई थी, वो मैरिड थी, तो डॉटर वुडविल में रहती थी। तो डॉटर ने रिक्वेस्ट किया कि मॉम आप मेरे पास ही आ जाओ, आप वहां पे अकेले हो, व्हाई डोंट यू कम टू मी। तो वो 2010 में मूव कर रही है। तो अब या तो मैं टुडेज डेट जनवरी मान सकता हूँ कि जनवरी 2010 को मैंने लेटर लिखा कि वो 3 महीने बाद आपके पास आ जाएगी, फरवरी मार्च अप्रैल में वो आपके पास आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे इस लाइन को लिखना है तो आई वुड बी राइटिंग शी विल बी मूविंग टू वुडविल। ऐसे छोटा छोटा सोचना है पहले। She will be moving to Woodville, close to her daughter. और उसको अब community center भी Woodville का लगाना है, तो connection तो बन गया। So that is why, from now onwards, ये word बहुत important बोलता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि ये बड़ा natural word है। That is why, from April, sorry, she would be moving to Woodville. Close to her daughter in April. So that is why from April onwards she will be attending your community center. देखो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ तैयार हो गया, क्योंकि मेरे को समझ आ रहा है हाइपरटेंशन डिप्रेशन सब इंपॉर्टेंट है, पर हो कह रहा है मेन पर्पस क्या है कि अभी तक वो मेरे कम्युनिटी सेंटर में सर्विसेज ले रही थी और मैं रोज देख रहा था कि अल्कोहल ज्यादा पीने लग जाती है जब एंग्शियस हो जाती है, दवाइयां सही से नहीं लेती है, और यहाँ पे कम्युनिटी नर्स को हमेशा असर्टेन करना, असर्टेन का मतलब पक्का, सर्टेन मतलब पक्का, कि असर्टेन करना पड़ता है कि वो मेडिकेशन कंप्लायंस और अल्कोहल इनटेक का। इसीलिए अब वो नए सेंटर में जा रही है, तो मुझे नए सेंटर वालों को बताना है कि आप इसका ध्यान रखना प्लीज। शी इज वेरी यू नो काइंड ऑफ नॉन कंप्लाइंट विद हर डाइट एंड एल्कोहल, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। तो अब तो मेरे लिए लेटर सिंपल। अब देखो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, लेट्स गो टू द समरी ऑफ द होल स्टोरी। तो समरी इज वेरी सिंपल, लेटर को पूरा समझना है और फिर जो बेस्ट लिख सकते हो। सो मेरे को जो बेस्ट समझ आया, दिस लेटर इज बींग रिटन रिगार्डिंग मिसेज ऑसबर्न। अब ये मेरे वर्ड्स हैं, आप ज्यादा भी लिख सकते हो कम भी लिख सकते हो। हस्बैंड हु हैज बीन अटेंडिंग आवर कम्युनिटी सेंटर, ये मेरी ग्रामर है, यहाँ पे मैं ग्रामर के मार्क्स लेता हूँ। हैज बीन आईएनजी, सो हु हैज बीन अटेंडिंग आवर कम्युनिटी सेंटर
सिंस का यूज करता हूँ, सिंस मार्च 2000, जब भी सिंस अप्रैल 2003 जो भी था। देखो यहाँ पे मैंने ग्रामर के मार्क्स ले लिए कि मैंने कहा हु हैज बीन अटेंडिंग अवर कम्युनिटी सेंटर सिंस 2003, लेकिन अब हाउएवर फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, अच्छा लिखने के बड़े तरीके हैं यार, मार्क्स हैं ये देखो, अप्रैल ऑनवर्ड्स कितना अच्छा वर्ड लगेगा एग्जामिनर को। ऑनवर्ड्स का मतलब आगे से, फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स शी विल बी, या हाउएवर इन अप्रैल, पहले इन अप्रैल लिख देते हैं, इन अप्रैल शी विल बी मूविंग टू, सिंपल लिख देते हैं अप्रैल में, इन अप्रैल शी विल बी मूविंग टू, या शिफ्टिंग टू, शिफ्टिंग इज अ बेटर वर्ड, शिफ्टिंग टू योर एरिया विच इज वुडविल। तो हर बात को मैं अब अच्छे से लिख रहा हूं, रफ तो मैंने बना लिया था, अब लिख रहा हूं रीजन क्यों, क्योंकि एज, क्योंकि का मतलब एज, हर डॉटर लिव्स देयर। तो मैंने अब उनको लेटर लिखा वुडविल वालों को कि ये मिस ओसबर्न के बारे में लेटर है जो कम्युनिटी सेंटर अटेंड करती है, इन अप्रैल शी विल बी शिफ्टिंग टू योर एरिया जो कि वुडविल है, एज हर डॉटर लिव्स देयर, तो अपनी डॉटर के पास जा रही है, देयरफॉर फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। हर बार हर दिन आप इंप्रूव करते हो, अगर आप मेरा पुराना ये लेटर देखोगे तो मुझे लगता है आज मैंने उससे भी अच्छा लिखा है, देयरफॉर फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स शी विल बी अटेंडिंग, या सेप्टेम्बर ऑनवर्ड, सॉरी जो भी, शी वुड बी मूविंग इन सेप्टेम्बर, अगर सेप्टेम्बर दे रखे वहां पे तो सेप्टेम्बर लिखो, हाउवर इन सेप्टेम्बर 2000, इन सेप्टेम्बर, शायद अप्रैल ही दे रखे हैं, सॉरी। तो मैं डेट्स अभी देख लेता हूँ, वट आई वॉन्ट टू से, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार पूरा लेटर समझ आ रहा होता है एंड बिकॉज ऑफ दीज स्टूपिड मिस्टेक्स वी गेट कन्फ्यूज। सो हमारा कम्युनिटी सेंटर सेप्टेम्बर 2003 में लगा रहे थे और अप्रैल में मूव कर रही है, अभी जनवरी है, तो इट मेक्स माई जॉब इजियर, सो नाउ आई कैन, सो वहाँ पे सेप्टेम्बर कर देते हैं, सॉरी। प्लीज, मतलब प्लीज, अगेन आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी बिट ऑफ अ क्योस, लेकिन यही तो लेटर सीखने वाले लेटर हैं, दीज आर द लेटर्स विच टीच अस सो मच, हु हैज बीन एवर सिंस अप्रैल की जगह सेप्टेम्बर 2003 कर देता हूँ। However, in April, she would be moving. तो यहाँ पे अप्रैल के साथ ईयर भी लिख देता हूँ, क्योंकि 2003 के बाद ऐसे ना लगे 2010 अचानक से आ गए, तो ठीक है। तो however, in April 2010, she will be shifting to your area as her daughter lives there. Therefrom, from April onwards, she will be attending your community center. तो अब आपके एरिया में रहेगी, अगर अब लुधियाना में जा रही है तो लुधियाना में रहेगी, शी विल बी अटेंडिंग योर कम्युनिटी सेंटर। सो अप्रैल ऑनवर्ड शी विल बी अटेंडिंग योर कम्युनिटी सेंटर एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर कंटिन्यूड केयर। तो मेन वर्ड पे फर्स्ट पैराग्राफ में छोटा लिखना होता है, तो वहां पे जो वर्ड दिया वही लिखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर कंटिन्यूड केयर। नाउ इट इज वेरी सिंपल, अब देखो कितना आसान है, मिसेज ओसबर्न lives alone and her daughter is married and she lives in Woodville. वैसे तो हमें ये भी रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर ये नहीं दिया है कि उसकी डॉटर वुडविल में रहती है, शायद हमें ये भी नहीं दिया, लेट्स सी अगर दिया या नहीं दिया, वहां से लेटर से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। She moving to Woodville close to her daughter. तो most probably तो Woodville में ही रह रही होगी obviously. या अगर आप बिल्कुल precise लिखना चाहते हो और बिल्कुल risk नहीं लेना चाहते, फिर ये लिख दो Woodville which is close to her daughter. तो फिर हम थोड़ा सा modification. Again ये छोटी छोटी बातें, आप जितना best लिखना चाहते हो, because आपके question paper आपको कभी answer sheet मिलेगी नहीं आपने क्या कम दिया। तो she will be which is Woodville as her daughter lives nearby. तो there की जगह बस मैंने nearby लिख दिया, उसकी daughter nearby रहती है, तो मैंने वही use किया word कि her daughter lives close to it भी लिख सकता था, nearby भी लिख सकता था, ठीक है। lives around, her daughter is married and she lives near to Woodville, she lives in nearby, again रिस्क नहीं लेना।
she is living in Newport. Yes, she lives alone. So in future, yeah, in April, she will be moving to Woodville. ये वैसे बता चुके हैं. रिगार्डिंग हर मेडिकल हिस्ट्री या इन टर्म्स ऑफ हर मेडिकल हिस्ट्री, अगेन ऐसे जब चेंज करना आप ऐसे लिखो इन टर्म्स ऑफ हर मेडिकल हिस्ट्री. शी इज अ नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन फॉर विच शी टेक्स एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट्स. बिल्कुल फ्लो में चल रहा है. अब देखो ड्यूरिंग आर केयर, ड्यूरिंग आर केयर, अब देखो कितना अच्छा लिख सकते हो. ये ऑब्जर्व किया गया है, ग्रामर देखो, और कोई टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी ग्रामर. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट शी इज नॉन कंप्लाइंट. मेन बात देखो लेटर को, लेटर के फाइनल चीज को दिमाग में रखो. शी इज नॉन कंप्लाइंट विद हर मेडिकेशन. तो वो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया है पैसिव वॉइस. ये हमारे द्वारा, इसको प्रेजेंट में लिखो. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट शी इज नॉन कंप्लाइंट विद हर मेडिकेशंस. क्योंकि अगर आप जनवरी के हिसाब से, ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों ने अप्रैल के हिसाब से लिखा होगा, कुछ लोगों ने जनवरी के, दोनों ही ठीक है. अगर आप अप्रैल के हिसाब से लिख रहे हो तो आप प्रेजेंट में लिखोगे. अगर आप जनवरी 2010 के हिसाब से लिख रहे हो, टूडेज डेट को जनवरी 2000 मान रहे हो, तो ऐसे लिखोगे. तो हमारी केयर में ऑब्जर्व किया गया है शी इज नॉन कंप्लाइंट विद हर मेडिकेशन, हर एल्कोहल. और देखो कहीं पे जबरदस्ती ऑल्सो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होता. हर एल्कोहल इनटेक इंक्रीजेस व्हेन शी इज एंग्शियस. शी नीड्स अ नर्स टू असर्टेन, बस सिंपल बता दिया, ascertain her medication compliance and to monitor her alcohol intake. अब मैंने ये बात पहले ही बोल दी कि हमें भी ये एनर्जी लगती है कि उसकी अल्कोहल इनटेक को मॉनिटर करना पड़ता है. शी नीड्स, उसको चाहिए होती है. सो आफ्टर शिफ्टिंग टू वुडविल व्हेन शी स्टार्ट्स योर अटेंडिंग योर कम्युनिटी सेंटर, जब आपके पास आएगी और आपका कम्युनिटी सेंटर शुरू कर देगी, तो प्लीज देखो व्हेन शी विल, व्हेन शी या व्हेन आफ्टर शिफ्टिंग टू वुडविल व्हेन शी स्टार्ट्स या व्हेन शी विल स्टार्ट अटेंडिंग योर कम्युनिटी सेंटर. तो पहले वही पॉइंट जो चल रहे हैं, इट इज रिक्वेस्टेड टू यू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं टू यू टू मॉनिटर हर मेडिकेशन कंप्लायंस एल्कोहल एल्कोहल एंड डाइट. वो सारी लाइन यहाँ पे आ जाएगी. फर्दर शी नीड्स सिंपैथेटिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, सो प्लीज असिस्ट हर टू फाइंड अ जीपी. तो आप एक जीपी भी प्लीज उसको हेल्प कर दो. और एक पॉइंट शायद और दे रखा होगा, उस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं लास्ट में. तो आप जब लिखोगे ना, अब देखो टोटल वी हैव बीन टॉकिंग ओनली फॉर 23 मिनट्स, जिसमें वी वुड हैव, मतलब मैक्सिमम इस लेटर को लिखते हुए हमें 18 मिनट्स हुए मैक्सिमम. कि मेन चीज है पर्पस को पकड़ना, किस चीज को बाद में लिखना है. ऐसे नहीं लिखना चाहिए शी वाज डायग्नोज विद, क्योंकि आपके सेंटर में है. आपको कैसे पता सेंटर में, क्योंकि हॉस्पिटल में 7 ईयर्स तो रह नहीं सकती, और सेंटर वर्ड भी दे रखा है. तो आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ने होते हैं. और एनकरेज फैमिली एक्सपेंशन, तो ये वाली लाइन भी लिख देंगे कि अगर एक एक पैसे भी बनाना चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे शी नीड्स टू बी एनकरेज्ड, शी नीड्स टू बी एनकरेज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली एंड सोशल एक्टिविटीज, खत्म. सो दैट इज हाउ यू राइट ओईटी लेटर. अगेन प्लीज लिसन टू दिस वीडियो 2-3 times और आप प्लीज समझो जो प्रॉब्लम आप डाटा सिलेक्शन की बता रहे हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश और ओईटी, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ understanding and having confidence.
वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लेटर को बिना देखे अपने आप बार 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 सोच के कोशिश करोगे। आप प्लीज समझो, मैं आपको सिखा सकता हूँ, डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट टाइप के लेटर्स करवा सकता हूँ, पर आपकी जगह पेपर देने नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपको अपना सेंसिबिलिटी कॉलम खुद बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज वेयर द प्रोग्रेस विल बी। सो यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक टू लर्न। तो आपको धीरे धीरे सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है लेटर में। जितना आप बिना लेटर को देखे एनर्जी स्पेंड करोगे पर्पस में, उतने ज्यादा आप स्ट्रांग होगे। सो कभी कभी आप सैटरडे संडे का जो दिन होता है, तो आपने पूरे पिछले एक दो हफ्ते के जो लेटर्स किए हैं, उन सारे लेटर्स को उठा के सिर्फ पर्पस मन में बना लो या एक्चुअल में कॉपी पे लिख लो। समझो कि आप 5 लेटर्स उठाओ और 5 लेटर्स के पर्पस लिख लो, तो आपको वो दिन आपको पर्पस में बेनिफिट देगा कि आपको पर्पस सिलेक्ट करना आ गया। जरूरी नहीं है पूरा लेटर लिखो, 10 लेटर्स उठाओ, 10 लेटर्स का पर्पस लिखो। सो दैट इज हाउ यू कैन बिकम बेटर। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट। Our contact number is 7696734256. Thank you.